रादौर में सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे पर आज दो पुलिस वालों की जान जाते जाते बची। दरअसल दोनों पुलिसकर्मी कार में सवार होकर किसी केस के सिलसिले में तफ्तीश के लिए जा रहे थे। इसी बीच त्रिवेणी चौक के पास तेज रफ्तार रोडवेज की बस ने कार को टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में दोनों पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए, वरना टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का अगला और पिछला दोनों हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके लिए पुलिस स्टेशन झांसा से सहारनपुर के लिए चले थे, देवंत के लिए जी। जब हम नजदीक यहाँ रदौर पे पहुँचे तो रोडवेज वाले ने हरियाणा रोडवेज यमुनानगर डिपो की बस थी, बहुत कफलत लाफ रही थे, तेज रफ्तार से चलाते हुए और पीछे से गाड़ी ब्रेक की, जिससे मेरी गाड़ी का काफी नुकसान। कितने बंदे थे आप सर इसमें? हम दो थे जी। ठीक है जी। लेडी हेड का सेल वीर कौर और सब इंस्पेक्टर। ठीक है जी, कार्रवाई कराएंगे जी, पर्चा दर्ज कराऊंगा। स्थानीय लोगों की माने तो सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे की हालत इतनी खस्ता है कि हर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत सरकार और प्रशासन को दी है, लेकिन हाईवे की खस्ता हाल पर न ही सरकार कोई सुध ले रही है और न ही प्रशासन। ऐसे में हाईवे पर आए दिन हादसे हो रही हैं और लोगों की जाने जा रही हैं। इस रोड पे रोज 4-5 हादसे हमारे यहाँ पे होते हैं और सरकार का इस रोड की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बल्कि परसों भी इस रोड पे यहीं पे एक बच्चे की डेथ हुई है गाड़ी चढ़ने से, तो अभी ये अब पहला एक्सीडेंट हुआ है। दिन में 4-5 एक्सीडेंट यहाँ पे होते ही होते हैं। खड्डे इतने ज़्यादा बड़े बड़े हो चुके हैं, ये नहीं पता भी खड्डों में सड़क है या सड़क में खड्डे हैं। हम चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इस सड़क को बनाया जाए या फिर इसकी रिपेयरिंग की जाए। बहुत सालों सुन से आ रहे हैं कि ये सड़क फोर लाइन होगी, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई भी काम नहीं लगा। PWD वाले आते हैं और मिट्टी डाल के खड्डे भर के चले जाते हैं, जो कुछ टाइम बाद फिर खड्डे वैसे हो जाते हैं और रोड पे चलने वाले राहगीरों के ऊपर वो धूल मिट्टी गिरती है, उससे हादसे होते हैं और ज्यादा सर। बहरहाल इस हादसे में दोनों पुलिसकर्मियों ने रोडवेज चालक के खिलाफ केस दर्ज करवाने की बात कही है और साथ ही ये भी कहा कि उनकी कार को पीछे से टक्कर मारी गई है, जिससे साफ है कि यह हादसा बस चालक की लापरवाही से हुआ है। रादौर से कुलदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।